बहुत बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। इलेक्ट्रिक ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या कर इलेक्ट्रिक ऑटो को लूट के ले जाने की घटना का थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा एक बदमाश एक बाल अपचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और लूटे गए इलेक्ट्रिक ऑटो और अमित बाल का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। एक बदमाश फरार हो गया। आपको बता दें 27 नवंबर 2023 को करीब 8 बजे अमित अपने इलेक्ट्रिक ऑटो लेकर स्टेशन के लिए निकला था। उसके बाद वह घर वापस नहीं पहुंचा। परिवारजनों ने 30 नवंबर 2023 को थाना सदर बाजार में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर थाना सदर पुलिस और पुलिस की 4 टीमें लगाई गईं। थाना सदर बाजार पुलिस और स्वाट टीम ने मिलकर सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस की टीम की मदद से पुलिस अपराधियों तक पहुंच गई। 2 अपराधी मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना, 3 अपराधी आगरा का निकला, 3 अपराधी ग्वालियर से मथुरा घूमने आए। मथुरा जंक्शन पर उतरते ही 3 अपराधी बाहर निकले। 3 ने इलेक्ट्रिक ऑटो किया, वहां से गोवर्धन के लिए भाड़े के लिए 400 में तय किया। अमित 3 अपराधियों को बैठाकर गोवर्धन के लिए चल दिया। रास्ते में अडिक नहर के पास पहुंचते ही एक बदमाश ऑटो चालक अमित के पास बैठ गया। अपराधी पीछे बैठे प्रदीप ने अमित के गोली मार दी और दोनों ने रस्सी का फंदा डालकर पीछे खींच लिया और सुशील ने ऑटो चालक का हैंडल अपने हाथ में लिया और ऑटो चलाने लगा। पीछे बैठे दोनों अपराधियों ने अमित के गले में जोर से रस्सी का फंदा डालकर और खींचकर उसकी हत्या कर दी और अमित को नहर के पास झाड़ियों में फेंक दिया और 3 ऑटो को लेकर फरार हो गए और मोबाइल को भी झाड़ियों में फेंक दिया। SSP के निर्देशन में 4 टीमों का गठन किया और 3 में से 2 को पकड़ने में सफलता हासिल की। दोनों को भिंड से गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के संबंध में जानकारी सभी टीमों को निर्देश दिए और पुलिस को अभी भी एक अपराधी की तलाश जारी है। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों बदमाशों को जेल भेज दिया। संभावित स्थानों के CCTV कैमरे तथा अन्य टेक्निकल सोर्सेज से उनके मूवमेंट के बारे में जानकारी शुरू कर दी गई। इसी बीच 30 नवंबर को एक अज्ञात शव थाना गोवर्धन क्षेत्र में अडीग नाले की पटरी पर झाड़ियों में मिला। जब उस शव के बारे में मैसेज पास हुआ तो थाना सदर बाजार की टीम ने मार्ग जाके मौके पर देखा तो शव की शिनाख्त अमित धनगर जो गुमशुदा थे उनके रूप में की गई। परिजनों को एक उसी मोहल्ले के व्यक्ति पे शक था और उन्होंने इस मामले में नामजद हत्या की तहरीर पुलिस को दी थी। प्राप्त तहरीर पे अभियोग पंजीकृत किया गया परंतु इसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जो की गई तो इसमें जो तथ्य सामने आए उसमें ये पता चला कि मृतक से हत्या के पूर्व उनसे उनका ई ऑटो लूटा गया था और उसमें 3 अपराधी भिंड से ट्रेन के माध्यम से मथुरा पहुंचे थे और पहुंचने के बाद अमित धनगर से उन्होंने 400 रुपये में गोवर्धन जाने की बात कही थी और उनका पूरा उद्देश्य लूट का था। सुनसान स्थान पर नहर के पास पहुंचने के बाद पीछे बैठा एक व्यक्ति ने उसमें तमंचे से गोली मारी और उसके बाद घायल अमित को पिछली सीट पे ले जाके उसके गले में रस्सी बांध के फंदा डाला और फिर नहर पटरी के किनारे जो झाड़ी उसमें फेंक के ये ई ऑटो लेके भाग गया। बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण घटना का अनावरण SP City CO City थाना सदर बाजार स्वाट और सर्विलांस की टीमों ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए जहां एक तरफ इसमें नामजद तहरीर मिली हुई थी और परिवारीजन बिल्कुल आश्वस्त थे कि उसी व्यक्ति ने सुबह इनको बुला के ले गया था और उसी के द्वारा ये किया गया। इस चैलेंजिंग लूट विथ मर्डर का खुलासा किया। इसमें 2 अभियुक्त सुशील और 1 बाल अपचारी, सुशील जनपद मुरैना का रहने वाला है और ये सभी 3 जो अपराधी हैं इसमें वो भिंड में किराए का मकान लेकर रहते थे। इनकी योजना थी कि ये मथुरा आएंगे क्योंकि इनको ये ध्यान था कि यहाँ काफ़ी संख्या में ई ऑटो ई रिक्शा चलते हैं तो यहाँ से 3 ई रिक्शा लूट के ले जाएंगे और इनका था कि एक एक करके एक ई रिक्शा लूट के ले जाएंगे और एक पर्टिकुलर स्थान पर रखेंगे, फिर आएंगे, फिर दूसरी ई रिक्शा लूटेंगे। तो इसके पहले कि ये अन्य मंसूबों में कामयाब हो पाते पुलिस टीम ने इन्हें दबोच लिया। इस घटना में जो लूटा हुआ ई ऑटो था वो भी बरामद कर लिया गया है। मृतक का मोबाइल फ़ोन जो इन्होंने लूटा था वो भी बरामद कर लिया गया। तो इसमें कम्प्लीट बरामदगी कर ली गई है। 1 अभियुक्त प्रदीप
इसमें अभी फरार चल रहा है। हमारी टीमें अभी लगातार इस पर काम कर रही हैं। शीघ्र ही उससे भी गिरफ्तार किया जाएगा तथा आगे इनका आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। प्राप्त आपराधिक इतिहास के आधार पर इनके विरुद्ध नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयां, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।